यहाँ पर मेरे पास मैक्सलिंक का हेडरेस्ट मॉनिटर है जिसकी मॉडल नंबर ML8022 है और इस प्लेयर में पीछे साइड में एटमॉस्फेयर लैंप दिया हुआ है। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको, ये नीचे साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू कलर की एटमॉस्फेयर लैंप दिया हुआ है। और इसकी सेटिंग आप कहाँ से कर सकते हो, इसकी आप कलर कहाँ से चेंज करोगे और इसको यदि ऑफ़ करना हो तो आप कहाँ से कर सकते हो। नाइट में जब आप कार में इसको ऑन करोगे तो बहुत अच्छी लाइट करेगी। इसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग में चले जाओ इसको ऑन ऑफ या कलर चेंज करने के लिए, देन डिस्प्ले और एटमॉस्फेयर लैंप इस पर क्लिक करना है। ऊपर में जो आपको बार दिख रहा है ये सारी कलर है, इसको क्लिक करने पर वो कलर चेंज हो जाएगी, आप जिसको भी चाहो उसको सेट कर सकते हो। और नीचे ये ऑफ़ इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर ये ऑफ़ हो गई होगी ब्लैक कलर सेलेक्ट करने पर, ये ऑफ़ हो गई है, इस केस में लाइट नहीं करेगी ये। और कोई अदर कलर को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर रेड को कर दिया, रेड कलर को सिलेक्ट किया तो एटमॉस्फेयर लैंप की कलर रेड कलर की हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देन आप कोई भी इसमें कलर से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रीन किया तो ये ग्रीन कलर की जल रही होगी, और ब्लैक कलर को सिलेक्ट करोगे तो ये ऑफ हो जाएगी, यहाँ पर ग्रीन कलर जल रही है। और भी कलर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे येलो को मैंने किया तो ये येलो कलर की जल रही होगी, आप जिसको चाहो उसको सेट कर सकते हो। थैंक यू।